हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कंडीशंस के बारे में पढ़नी होती हैं कि कोई भी रिएक्शन किस कंडीशंस में होती हैं। तो कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं, अल्डिहाइड्स में भी वो अल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते। अल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते, वो कंडीशंस हमने पहले ही मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे कंडीशन है ओनली अल्डिहाइड गिव दिस रिएक्शन, दोज अल्डिहाइड्स विच डज नॉट कंटेन एनी अल्फा हाइड्रोजन, वही देंगे हमारे लिए। ये रिएक्शन जो होती है हमेशा बेस की प्रेजेंस में होती है, हमेशा बेस की प्रेजेंस में होती है, और बेस का जो अमाउंट होता है वो कंसनट्रेटेड हम लेते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन में जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि बेस डाइल्यूट होता है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में जो बेस होता है वो हमारे लिए कैसा चाहिए, कंसनट्रेट चाहिए। तो ऐसे किसी कार्बोनिल कंपाउंड्स को लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो सबसे जो कॉमन केस होता है वो है फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं OH- के साथ, या लिखा होता है कंसनट्रेट NaOH, या किसी किसी बुक में लिखे होंगे 50% NaOH। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो हमें मिलता है सोडियम फॉर्मेट मिलता है, और दूसरा हमें मिलता है मीथेनॉल। ये हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें हुआ क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप ये अल्डिहाइड्स है, ये जो अल्डिहाइड्स है, इस अल्डिहाइड का एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरी बार उसी का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अल्डिहाइड का क्या हुआ, एक बार ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरी बार उसका रिडक्शन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, उस रेडॉक्स रिएक्शन में भी कौन सी रिएक्शन है ये, जब एक ही ग्रुप का या एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है। ठीक है, कोई भी अगर हम ले लें अल्डिहाइड्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे हम बात करते हैं PHCHO की, PHCHO, इसकी रिएक्शन हम OH- के साथ कराते हैं। तो जब OH- के साथ कराते हैं तो एक बार अल्डिहाइड का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोऑक्सैलिक एसिड बनेगा, लेकिन OH- बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सॉल्ट बनाते रहे। हम कहते हैं कि हमने NaOH ले रखे थे यहाँ, सोडियम के सॉल्ट बना दिए। दूसरी बार इस अल्डिहाइड का क्या करेंगे, हम रिडक्शन करा देंगे, तो जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। तो ये प्रोडक्ट लिखने के तरीके, जब भी कोई कंपाउंड दिया हो OH- लिखा हो तो चेक करें अल्डिहाइड्स है, अगर अल्डिहाइड्स हैं तो चेक करेंगे कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो फिर अल्डोल करा देंगे, अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन होती कैसे है एक्चुअल में, मैकेनिज्म। तो फॉर्मल्डिहाइड से ये मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, हम फॉर्मल्डिहाइड को ट्रीट कर रहे हैं OH- के साथ। OH- तो बेस है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और जो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। तो कोई यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं कि जिसके साथ ये रिएक्शन करेगा, तो OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे -डेल चार्ज डेवलप होता है, तो यहाँ +डेल चार्ज डेवलप होता है, प्लस आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाता है, तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। तो जब मूव करेंगे तो बनेंगे HCO-, ये H और ये OH। तो पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ
OH माइनस, ठीक है, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज रिवर्स अटैक करता है, तो यहाँ से H माइनस बाहर निकलते हैं, और जो ये H माइनस बाहर निकलते हैं ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। तो H माइनस यहाँ क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अब चेक करते हैं कंपाउंड क्या बन रहे हैं, तो ये अटैक करेंगे तो एच सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या हो गए, ओ एच हो गए, प्लस ये हो जाएंगे एच 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 यानी सी एच थ्री हो गए, और ये ओ माइनस, तो ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो जैसे एसिड बेस रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, और ये हमारे लिए क्या हो गया, मिथेनॉल हो गया। तो सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप होता है, इसीलिए यही हमारे लिए क्या है, आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप क्या है हमारे लिए, स्टेप स्लो स्टेप है सेकेंड स्टेप, इसीलिए वो हमारे लिए आरडीएस है, वेग निर्धारक पद होता है यही, ठीक है। तो इस स्टेप में कहीं कहीं लिखा होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो एमसीक्यू सवाल बन सकते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन में आरडीएस या स्लो स्टेप कौन होते हैं। तो जहाँ पे हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, या हाइड्राइड एच माइनस निकल के न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक होता है, शिफ्टिंग कहना थोड़ा सा गलत होगा, हाइड्राइड जहाँ बाहर निकलते हैं जिस स्टेप में, वही हमारे लिए क्या होती है, आरडीएस होती है, स्लो स्टेप होती है। तो ये तो इसकी मैकेनिज्म होगी, होगी ना मैकेनिज्म इसकी कैनिजारो की, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इसी में कि काइनेटिक्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, मतलब कैनिजारो रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है, ठीक है ना। तो और हम कैनिजारो रिएक्शन की काइनेटिक्स की बात करें कि कैनिजारो रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या होती है, तो काइनेटिक्स लिखने का तरीका क्या होता है, काइनेटिक्स लिखने का तरीका होता है कि हम रेट लॉ इक्वेशन से लिखते हैं काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ कैनिजारो रिएक्शन, तो सेकेंड स्टेप हमारे लिए स्लो स्टेप था, तो आर इज इक्वल टू हो जाएंगे के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और पहले स्टेप से बन के क्या ही आया था, पहले स्टेप से ये बन के जो आया था हमारे लिए एच सी ओ माइनस एच और ये ओ एच, यही था ना। फिर हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में के इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं एच सी ओ माइनस एच, और ये हो गया हमारे लिए ओ एच डिवाइडेड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, हो गया ना प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, ठीक, बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में तो एक फॉर्मल्डिहाइड ही है, और जो दूसरा हमारे लिए है वो क्या है हमारे लिए, ओ एच माइनस है, दूसरा हमारे लिए ओ एच माइनस है, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आर इज इक्वल टू होते हैं के डैश, ये डबल हो जाते हैं, मतलब तो मल्टीप्लाई होंगे तो पावर में टू और ओ एच माइनस की पावर वन। तो एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है कैनिजारो रिएक्शन का, वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू अल्डिहाइड, और वन यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है विथ रिस्पेक्ट टू ओ एच माइनस। तो और अल्डिहाइड के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो कैनिजारो रिएक्शन का रेट चार गुना हो जाएगा, ओ एच माइनस के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो कैनिजारो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा हमारे लिए, डबल हो जाएगा। दोनों को अगर डबल कर देंगे तो फिर जो रेट होगा वो हमारे लिए आठ गुना हो जाएगा। तो जो बच्चे BHU BSc के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सबसे पहला और बेसिक सवाल यही बनता है, वो चार ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कौन से मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है ना। तो सवाल यही है, हम चार ऑप्शन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल डज नॉट शो कैनिजारो रिएक्शन,
जैसे पहला मॉलिक्यूल है CH3CHO, ठीक, ये पहला मॉलिक्यूल है। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे लिए है CH3CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तीसरा है PHCHO, चौथा है HCHO, पांचवा हमारे लिए है CCl3CHO, छठा एग्जाम्पल हमारे लिए है पैरा पोजीशन पे नाइट्रो। अगला जो होगा CHO, पैरा पोजीशन पे OH- H, फिर पैरा पोजीशन पे हमारे लिए क्या हो जाएंगे NH2। इन सभी एग्जांपल्स को हम पढ़ते हैं, इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। तो कंडीशंस क्या हैं, कैनिजारो रिएक्शन वो मॉलिक्यूल देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो CHO अल्फ़ा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हम अल्डोल कंडेंसेशन के वीडियो लेक्चर में पहले ही बता चुके थे कि अल्फ़ा जो होते हैं, कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन होता है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। तो इसके बगल वाला ये कार्बन अल्फ़ा, इससे लगा हुआ हाइड्रोजन हमारे लिए क्या हो जाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। इससे लगा हुआ हाइड्रोजन हमारे लिए क्या हो जाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ है ना, तो ये मॉलिक्यूल नहीं देंगे, इनके तो दोनों तरफ है तो ये भी नहीं देंगे। PHCHO देगा, क्योंकि PH यानी फेनिल के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो ये मॉलिक्यूल देंगे। ताकि हमें पूछा था कि डज नॉट शो हैं, तो ये दोनों सही है हमारे लिए, ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे तो ये गलत हो गए, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देंगे तो गलत हो गए। अच्छा, ये CHO, ठीक, CHO से लगा है CCl3, तो है तो नहीं इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, ये मॉलिक्यूल भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। रीजन हम बताएंगे अभी, ये मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, पैरा पोजिशन पे NO2 लगाए देते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल भी हमारे लिए कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, जबकि इनके पास अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन के पास मतलब अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी ये दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं, अब ये चेक करते हैं कि क्यों नहीं देते हैं। तो इस केस में तो बड़ा आसान है एक्सप्लेन करना कि जो ये CCl3 है ना और ये CHO, जब इस पे OH- अटैक करते हैं तो ये पाई बॉन्ड मूव करते हैं तो बनता है ClClCl सी और ये CO-H। अब होगा क्या, ये तो पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ये ओ माइनस है ये फिर से यहाँ रिवर्स अटैक करेगा तो हाइड्राइड बाहर निकलने चाहिए एच माइनस के रूप में, लेकिन यहाँ एच माइनस बाहर नहीं निकलता, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं और यही बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये बाहर निकलते हैं तो बनता क्या है CCl3- और CCl3- जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं किससे, पी पाई डी पाई बॉन्ड से, या इनमें रेजोनेंस हो जाते हैं, इनमें क्या हो जाते हैं रेजोनेंस हो जाते हैं, और जब इनमें रेजोनेंस होगा तो ये फिर स्टेबल हो जाते हैं। तो हमें हाइड्राइड बाहर निकालना था जो कि दूसरे के मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। बाकी ये दोनों क्यों नहीं करते, ये दोनों इसलिए नहीं करते क्योंकि जब इनकी रिएक्शन हम OH- के साथ कराते हैं तो हमने पहले भी कहे थे कि OH- बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। एसिड बेस रिएक्शन क्योंकि फास्टर होती है, जल्दी होती है, इसलिए पहले हम उसी के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ से H बाहर निकल जाएंगे, इस वाले केस में जो बन के आएगा, इस वाले केस की अगर हम बात करें तो इस केस में तो नीचे से OH- में से H निकल जाएंगे यहाँ से OH से, तो ये बनेगा। अब ये क्या करेगा कि इसके अपने प्लस M इफेक्ट से, बहुत तगड़ा इसका प्लस M इफेक्ट होता है। प्लस M इफेक्ट का मतलब होता है कि जो ग्रुप बाहर लगे हैं वो क्या करें, अपने लोन पे या निगेटिव चार्ज से बेंजीन की पाई बॉन्ड्स को बेंजीन में ही रोटेट करा के उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेवलप कर दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच कर दें वो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका प्लस एम इफेक्ट लगने लगता है तो ये जो कार्बन होता है ये वाला, ये लेस पॉजिटिव होने लगता है, और जब ये लेस पॉजिटिव होने लगता है तो OH- यहाँ अटैक नहीं कर पाते,
यही केस NH2 में भी होता है। NH2 में भी क्या होंगे, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो हम ये याद रखेंगे, एक CCl3CH2 और ये दोनों, या ये कह सकते हैं कि कोई अगर ऐसा कंपाउंड्स मिलता है जो बेंजल्डिहाइड्स का डेरिवेटिव हो, उसके आर्थ हो या पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या स्ट्रॉन्ग प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हों, या फिर जो ये बेस के साथ रिएक्शन कर सकें, वो कभी भी कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी वो नहीं देते क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन कर जाते हैं। CCl3 के केस में तो पता ही है क्या होता है, CCl3 के केस में क्या हो जाता है हमारे लिए, वो CCl3- बाहर निकलता है जो कि एक स्टेबल होता है। और स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसके चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आते हैं। तो ये पहला पार्ट है कैनिजारो रिएक्शन की वीडियो में, तो इसमें हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। हमने क्या क्या सीखे, कौन कौन से मॉलिक्यूल जो होते हैं कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या होती है, कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है। एक चीज़ और, अगर हम पिछले जो पेजेस पढ़े हैं उनके हिसाब से चलें, तो एक चीज़ और हम बता दें, यहाँ से H- बाहर निकल रहा है, यहाँ से क्या बाहर निकल रहा है, यहाँ से H- बाहर निकल रहे हैं। जो ये H- यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ना, अगर इन पे हम क्या करें, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज कर दें, तो फिर यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट काम करने लगते हैं। यहाँ पे क्या काम करने लगते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट काम करने लगते हैं। तो इतनी सारी बातें अभी तक के लिए पार्ट 1 के लिए हम याद रखेंगे कैनिजारो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की। अगली वीडियो में हम क्या बात करेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस की बात करेंगे, और कुछ एक दो स्पेशल केसेस भी हम कैनिजारो रिएक्शन के लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।